आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो दोस्तों, इंग्लिश वो कैप का ये सेशन हाजिर है। माफ कीजिएगा कि 4-5 दिन से इंग्लिश वो कैप के सेशंस नहीं आ रहे थे। दोस्तों, अब जितने भी बैकलॉग्स हैं, कुछ 10 दिन से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अनबैलेंस्ड था। मुझे पता है कि डेली लेक्चर हम लोग नहीं पोस्ट कर पा रहे थे, लेकिन मैं अब आपको वादा करता हूं, ज्योग्राफी भी या तो आज से या कल से हम पूरे सेशन चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स के तो चल ही रहे, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स पे के भी इस मतलब फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंग्लिश वोकैब का ये सेशन हम देखते हैं। कॉपी पेन तैयार, लिखना शुरू कर दो। इधर वर्ड्स लिख लो, इधर मीनिंग लिख लो, और याद कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला दोस्तों वर्ड है जो आप बहुत सुनते हैं, कू, है ना? होता है ना कि कू हो गया भैया, कू डिटैक्ट, सुना है कि नहीं वर्ड, कि इस देश में कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। तो तख्ता पलट होता है आमतौर पर, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो उसकी ओरिजिनल मीनिंग होती है सक्सेस। कहते हैं ना कि उस देश में तख्ता पलट हो गया, कू डिटैक्ट, तो कू का ये मतलब होता है। याद कैसे करेंगे, दो लाइन छोड़ के लिख लो। इस वर्ड को देखो, हिंदी में पढ़ो कूद, ऐसा है ना, कूद। यहां पे पी साइलेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ओरिजिनल वर्ड में भी पी साइलेंट है, इसको कूप मत पढ़िएगा, कू होता है ये, ठीक है? तो कूद। इतनी ज्यादा सक्सेस मिलने के बाद कभी कभी लोग कूदने लगते हैं खुशी के कारण। देखा है ना कि अगर किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, कूद कूद के कोहराम मचा देंगे, तो सक्सेस मिलने के कारण इंसान कू हो गया, यानी कि कूदने लगता है। तो कूदने से सक्सेस, आई होप आप समझ रहे होंगे। ऐसे याद रखेंगे बेटा, 3-4 बार सुबह डेली कूदना, उसके बाद याद रखना कू का मतलब होता है सक्सेस, क्योंकि जैसे ही मुझे सक्सेस मिलेगी मैं कूदने लगूंगा। फनी मीनिंग्स है दोस्तों, फनी तरीके हैं याद करने के, लेकिन याद हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद दूसरा वर्ड है अंडरपिनिंग, ठीक है? अंडरपिनिंग का मतलब होता है ओरिजिनल मीनिंग, रूट। अब इसके इसको देखिए, इस वर्ड को देखिए, अंडरपिनिंग, अंडरपिन है भैया, कहां पे पिन है? बिल्कुल रूट में। बहुत लोगों को दांत की प्रॉब्लम होगी, भगवान करे किसी को भी ना हो, लेकिन होती है। मेरे भी एक बार कैविटी थी, तो मैंने आरटीसी करवाई थी, तो आपको याद होगा कि दांत में अंदर बिल्कुल जाके पिन डालता है ताकि आरटीसी अच्छे से हो सके, ठीक है? आरसीटी। तो अंदर पिन है, कहां पे पिन है? बिल्कुल रूट में। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है, वर्ड से ही आप इसको रिलेट कर लेंगे कि अंदर पिन रखी हुई है, कहां पे? बिल्कुल रूट में जाके, ठीक है? तीसरा वर्ड है वनरस। वनरस का मतलब होता है पेन, दर्द होना, ओरिजिनल मीनिंग। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, इसको देखिए, इस वर्ड को ऐसे जनरली पढ़िए, जनरस सुनाई दे रहा है ना, जनरस मतलब क्या होता है? एक इंसान जो बहुत ही अच्छा हो, काइंड हो। अब ऐसा बोला जाता है कि जितने अच्छे इंसान है अक्सर बड़े दुखी रहते हैं, दर्द में रहते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाली याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, क्योंकि वो ईमानदार होते हैं तो कभी कभी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जनरस इंसान आमतौर पे वनरस रहते हैं, यानी कि दर्द में रहते हैं। तो भैया आप अच्छे हैं, पहले याद करो कि मैं अच्छा हूं, मैं जनरस हूं। तो वनरस का मतलब क्या होगा? पेन, ऐसे याद करना, सब याद हो जाएगा। उसके बाद चौथा वर्ड डेफ्ट। डेफ्ट मतलब होता है स्किल्ड, ठीक है? बड़ा माहिर, किसी कला में माहिर, एकदम बढ़िया, ठीक है, कलात्मक। तो इसको कैसे याद करेंगे? इस वर्ड को देखिए, डेफ ऐसे आ रहा है, ठीक है? डेफ मतलब बहरा। तो ओरिजिनल मीनिंग तो होता है इसका स्किल्ड, लेकिन याद कैसे करेंगे? देखिए, अक्सर क्या होता है कि कभी भी अगर हम देखें, याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, प्लीज कोई भी इसको दिल पे मत लीजिएगा, कि जिनको कुछ थोड़ी बहुत कमी होती है, कि अगर कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, तो काफी स्किल्ड होते हैं, काफी कलात्मक होते हैं, भैया आम आदमी से ज्यादा कलात्मक होते हैं। तो अक्सर डेफ लोग डेफ्ट होते हैं, ज्यादा स्किल्ड होते हैं। तो कभी भी अब आप ऐसे लोगों को देखें, पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा कि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो डेफ्ट मतलब स्किल्ड, आप ऐसे याद करेंगे। और आखिरी का वर्ड है दोस्तों सेडिशन। सेडिशन इसको पढ़िए, मेडिसिन, ठीक है? थोड़ा सा ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेडिशन मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। तो सेडिशन मतलब मेडिसिन, जनरल मीनिंग्स है दोस्तों, ठीक है? जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसकी कई और मीनिंग्स निकल सकती हैं, लेकिन जनरल मीनिंग्स है ये, ठीक है? तो मेडिसिन कभी कभी खाते हैं हम लोग, डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं अपने आप से, भैया हिंदुस्तान में तो हर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की ना सलाह लिए हम लोग दवाई खा लेते हैं, और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। वो मेडिसिन हमको क्या करती है? धोखा दे देती है।
तो मेडिसिन खाने से, मेडिसिन जो है वो इंसान को सेडिशन कर देती है, मतलब धोखा दे देती है, डिसीव कर देती है, ठीक है। तो सेडिशन का मतलब होता है डिसीव। कभी भी मेडिकल स्टोर में जाना तो उससे बोल देना भैया ये बहुत ही सेडेटिव है, धोखा देने वाली मेडिसिन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। ऐसे ही याद करेंगे हम लोग आसानी से, रियलिटी से रिलेट करते हुए। दोस्तों चैनल को जरूर शेयर करिए, क्योंकि अब ज्योग्राफी के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।